हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लविष्का ब्यूटी पार्लर। तो मैं लविष्का आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्लीन अप कैसे करें, जिसमें मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में टोटल नॉलेज दूंगी और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया है कि मैंने कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है कंपनी का स्किन टोनर। तो दूसरे स्टेप में मैंने लिया है आस्थावेरी का क्लींजर और तीसरे स्टेप में होगा हमारा स्क्रब और सबसे लास्ट स्टेप में रहेगा हमारा मास्क। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आयुर का स्किन टोनर यूज कर रही हूँ। आयुर के स्किन टोनर से मैं अच्छे से स्किन को क्लियर कर रही हूँ, जिसे करने से स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाता है, जैसे चेहरे पर पिंपल्स और व्हाइट एंड्स और ब्लैक एंड्स को साफ करने के लिए क्लीन अप किया जाता है। और इसी के साथ ही हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। दूसरे स्टेप में है हमारा क्लींजर। क्लींजर को अच्छे तरीके से हाथ पर लेकर चेहरे पर 3 से 5 मिनट तक मसाज करेंगे। अब मैं मसाज कर रही हूँ। मैं जिस तरीके से मसाज कर रही हूँ मेरे हाथों के स्टेप को अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसी तरीके से आपको भी मसाज के स्टेप करने हैं। और अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ही हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है और मैंने चेहरे को टिश्यू पेपर से अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है। अब हमारा तीसरा स्टेप है स्क्रब। स्क्रब को चेहरे पर लेकर 5 से 7 मिनट तक मसाज करेंगे। अब मैंने स्क्रब को भी टिश्यू पेपर से क्लीन कर दिया है। चौथा स्टेप है हमारा मास्क। मास्क को हम एक बाउल में लेकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद मास्क को ब्रश की हेल्प से फेस पर लगाएंगे। मैंने मास्क को चेहरे पर लगा दिया है। लगाने के बाद कम से कम 15 मिनट तक सूखने देंगे। अब हमारा मास्क सूख गया है और इसी के साथ ही मैंने टिश्यू पेपर से मास्क को चेहरे पर से क्लीन कर दिया है। साथ ही हमारा क्लीन अप कम्प्लीट हो चुका है और आप देख ही सकते हैं दीदी के चेहरे पर कितना निखार आ गया है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।